दो टंकी किस प्रकार से कनेक्ट की जाती है ये आज हम आपको दिखाने वाले हैं। ये यूपीयूसी पाइपलाइन है आधा इंच की, यहाँ से आउटलेट निकाला हुआ है, यूनियन लगा हुआ है, कोलवा लगा हुआ है, आधा इंच की लाइन है यूपीयूसी, ये भरने वाला भी आधा इंच का है। एयर पाइप इसमें दिया हुआ नहीं है मिस्त्री का, तो हम इसे इस वाटर टैंक को भी इसमें कनेक्ट करेंगे, क्योंकि फालतू में ये वाली टंकी वो नीचे रखी हुई थी, कोई काम नहीं आ रही थी, ऐसी धूप में ख़राब हो रही थी, तो इसको रखने वाले हैं आज इधर। दोनों को कनेक्ट करने वाले हैं, जिससे कि दो टंकियां हो जाएंगी। ये किचन की पाइपलाइन है, किचन की टंकी है ये, तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाले हैं। इसको सीपीवीसी से इसमें यूपीवीसी में कनेक्ट कर देंगे, बीच में एक प्लेंटी लगाएंगे यूपीवीसी की और छोटा पाइप का टुकड़ा, उसमें चूड़ी निकाल लेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे। तो एक समान लेवल की होनी चाहिए आपकी पानी की टंकियाँ, जब भी आप दो टंकियों को आपस में कनेक्ट करें तो ये 500-500 लीटर की है। मैंने वो टंकी कनेक्ट कर दी है, बहुत आसान है, आप एक तरीके से समझिए, इसमें होल निकाल लिया, इसमें तो था पहले से, इसमें होल निकाल लिया और इसको कनेक्ट कर दिया, बस इतनी सी बात है। एक यूनियन दे देंगे जिससे कि जॉइंट में आसानी होगी। तो इधर हमारा यूपीसी पाइप था, यहाँ पर मैंने यूपीसी प्लेंटी लगाई है, छोटा सा पाइप का टुकड़ा लगाकर इस पर चूड़ी निकाली है, वो ब्रास साकेट लगाने के बाद इसको सीपीवीसी बना दिया है, क्योंकि यूपीवीसी और सीपीवीसी में बहुत सारी समस्या आती है, लीकेज बहुत आता है, तो लीकेज को मेटने के लिए हमने यहाँ पर वो चूड़ी निकाली है। चिपकाएंगे तो लीकेज का झंझट रहता है, बहुत बार ऐसा हो चुका है, इसलिए इस बार चूड़ी निकाली है और इसको कनेक्ट कर दिया है, तो ये परफेक्ट जॉइंट है, कहीं भी लीकेज नहीं है। और आपको कनेक्ट है वो वाल से पहले करनी है, और इस तरीके से हमने टंकी है वो कनेक्ट कर दिया। ये भरने वाली इसमें जाएगा और ये दोनों वो समान लेवल में है, समान तरीके से भरेंगी। ये देखिए इतनी भर चुकी है ये, अब ये दोनों वो एक जितनी भरेंगी, यदि ये है वो आधी है तो ये भी आधी होगी। तो इस प्रकार से हमने दोनों टंकियों को आपस में कनेक्ट कर दिया है, दोनों 500-500 लीटर की हैं और ये लाइन इनकी जा रही है। वाल से पहले जॉइंट डालेंगे, ये ध्यान रखना है हमें। वीडियो कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करना, और टंकी फिटिंग से संबंधित आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।